आज 25 जून है, वही दिन जब किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जाने का सभी शोक मना रहे थे। 2009 में उनकी मौत की खबर सुनते ही लोग सड़कों पर रोते रोते गिरने लगे थे। माइकल थे ही इतने बड़े स्टार की कई कंट्रोवर्सी में शामिल होने का भी उनके स्टारडम पर कोई असर नहीं पड़ा। लोग उनके कॉन्सर्ट में शामिल होने पर खुशी से रोने लगते थे। अमेरिका में इंडियाना प्रांत के छोटे से शहर गैरी में पैदा हुए माइकल जैक्सन अपने माता पिता की 8वीं संतान थे। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त को हुआ था। कहते हैं कि उन्हें बचपन से ही संगीत में रुचि थी और इसी वजह से साल 1964 में वह अपने भाई के पॉप ग्रुप में शामिल हो गए थे, जिसका नाम जैक्सन 5 था। उस समय वे टैम्बोरिन और बैंगो बजाते थे। धीरे धीरे जब उनके बैंड की लोकप्रियता बढ़ी तो फिर माइकल जैक्सन को भी लोग जानने लगे। हालांकि उन्हें दुनिया भर में पहचान उस वक्त मिली जब उन्होंने साल 1982 में अपने एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया था। इस एल्बम की 10 करोड़ कॉपी बिक चुकी है। इस एल्बम के बाद से ही उनकी लोकप्रियता परवान चढ़ने लगी। लोग उनके स्टाइल और गानों के दीवाने हो गए। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। माइकल जैक्सन की गगनचुंबी लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। कहा जाता है कि ऐसे में जब भी ग्रुप परफॉर्मेंस के दौरान उनसे कोई गलती होती थी तो उनके पिता उन्हें बेल्ट से पीटते थे, जिसका माइकल पर बहुत बुरा असर पड़ता था। माइकल जैक्सन के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं जो आज भी लोगों को सोच में डाल देती है। माइकल जैक्सन का निधन भले ही 50 साल की उम्र में हो गया था, लेकिन कहते हैं कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहते थे। इसके लिए वह हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोते थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने 12 डॉक्टर्स की टीम भी रखी थी जो हमेशा उनके साथ रहती थी। ये टीम नियमित तौर पर उनकी जांच करती थी। इसके अलावा वह किसी से भी हाथ मिलाने से पहले या लोगों के बीच जाने से पहले मास्क और ग्लव्स का प्रयोग करते थे। उन्होंने योग करने के लिए भी अपने साथ 15 लोगों की टीम रखी हुई थी। माइकल इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड थे कि उनका खाना भी पहले लैबोरेटरी में चेक होता था, उसके बाद ही उसे माइकल खाते थे। आपको बता दें कि माइकल जैक्सन की मौत के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। लेकिन कुछ रिपोर्ट के मुताबिक माइकल जैक्सन की मौत की वजह ड्रग के ओवरडोज को भी बताया जाता है। वहीं माइकल ने खुद को अच्छा दिखने के लिए अपनी कई सर्जरी भी कराई थी। कहीं ना कहीं इसे भी उनकी मौत की वजह माना जाता है। आपको बता दें कि उनकी मौत की खबर फैलते ही ट्विटर की साइट क्रैश हो गई थी। माइकल जैक्सन अकेले ऐसे गायक, गीतकार और पॉप डांसर थे जिन्हें रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। माइकल जैक्सन दुनिया में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले कलाकार थे। उनके नाम 39 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं। 2019 में फोर्ब्स की लिस्ट में उन्हें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में पहला स्थान मिला था। 1994 में लिसा मेरी प्रिस्ले से शादी की थी, लेकिन दोनों का 19 महीने के बाद ही तलाक हो गया। वहीं साल 1997 में उन्होंने नर्स डेविड रोफ से दूसरी शादी की, लेकिन माइकल की ये शादी भी 1999 में टूट गई। दुनिया में बहुत से पॉप स्टार हुए हैं, लेकिन किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन ही हैं जिन्होंने अपनी गायकी और डांस से पूरी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ी है। वह एक ऐसे स्टार थे जिन्हें आज भी दुनिया के कोने कोने में लोग जानते हैं।